एनआईओएस से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षकों के वेतन कटौती एवं वेतन पुनर्निर्धारण से संबंधित आदेश निर्गत होने के बाद शिक्षकों का गुस्सा चरम पर है और वह चरणबद्ध आंदोलन के लिए उतर चुके हैं। आज शनिवार को राज्यव्यापी प्रखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षक टीटी एसटीटी उत्तरी नियोजित शिक्षक संघ के बैनर तले प्रखंड मुख्यालय बीआरसी गोडारी के प्रांगण में एकत्रित हुए और विरोध मार्च निकालकर निदेशक प्राथमिक शिक्षक के उक्त पत्र के प्रतियों को जलाने का कार्य किया, जिसमें एनआईएस प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन कटौती एवं वेतन निर्धारण का आदेश दिया गया था। शिक्षा विभाग लगातार टीईटी शिक्षकों के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहा है। पहले नियुक्ति की बात करके हमें नियोजित शिक्षक बनाया गया, फिर वेतन मान देने के समय गैर पे के लिए 2 वर्ष की सेवा की बाध्यता लगा दी गई, फिर न्यायालय के निर्णय के बावजूद हमें विनम्र स्थिति से प्रशिक्षित वेतनमान दिए जाने के लाभ से वंचित कर दिया गया। उसके बाद इंडेक्स के मामले में भी हम टीटी शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए इंडेक्स 3 की बाध्यता लगाकर हमें ठगने का काम किया गया और अब ताजा मामला एनआईओएस से प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों के वेतन कटौती एवं वेतन पुनर्निर्धारण का है। लेकिन अब हम अपने साथ लगातार किए जा रहे अन्याय का विरोध करेंगे और उसे नहीं सहन करेंगे। बिहार के रोहतास से विश्वास चौरसिया की रिपोर्ट।